नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में गुरुवार को भूमकाल दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन आदिवासी समाज के द्वारा किया गया। बता दें कि 1910 में शहीद गुंडा धूर की अगुवाई में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूका गया था। अंग्रेजों द्वारा शहीद गुंडा धूर के 18 क्रांतिकारी साथियों को जगदलपुर के गोल बाजार स्थित इमली पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई थी। हर वर्ष शहीदों को याद करने 10 फरवरी को आदिवासी समाज से जुड़े लोग यहां इकट्ठा होते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। भूमकाल दिवस के अवसर पर कोरोना संक्रमण के चलते बेहद सीमित ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 112 साल भूमकाल दिवस के पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत शहीद वीर गुंडा धूर पार्क में श्रद्धांजलि देकर की गई। इसके बाद रैली निकालकर गोल बाजार स्थित इमली के पेड़ के नीचे पूजा पाठ आदिवासी समाज और अन्य समाज के लोगों ने किया। इसके बाद शहीद गुंडाधूर पार्क में सभा का आयोजन किया गया। आदिवासी समाज से जुड़े राजा राम तोड़म ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, आदिवासी समाज की अस्मिता की लड़ाई वीर गुंडाधूर सहित अन्य क्रांतिकारियों ने लड़ी थी, जिसे याद करते हुए समाज भूमकाल दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। हालांकि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आदिवासी समुदाय को उनका हक नहीं मिला है और उनकी परिस्थिति आज भी नहीं बदलने की बात आदिवासी नेताओं ने कही। 10 फरवरी को भूमकाल दिवस मनाया जाता है। ये विशेष रूप से हमारे क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर एवं डेबरू ध्रुव के स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनके साथ 1910 में कई बस्तर के जो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं उनके स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। खास करके हम लोग बस्तर के आदिवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि उस समय में वीर गुंडाधुर के द्वारा जल जमीन जंगल बचाने के लिए जिस प्रकार अंग्रेजों के साथ युद्ध किया है जंगल जमीन को बचाने के लिए, उसी प्रकार हमारे बस्तर के आदिवासी जल जमीन जंगल को बचाने के दिशा में प्रयत्नशील रहे, यही इस अवसर पर सभी बस्तर वासियों को के लिए ये कामना है। देखिए, आदिवासियों के हित में तो काम करने के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, किंतु आदिवासियों के हित में किसी प्रकार का कोई काम तो नहीं होता। जिस प्रकार जल जमीन जंगल की रक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, किंतु उनका वास्तविक लाभ आदिवासियों को अभी तक ठीक से मिल नहीं पाया। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, किंतु आज भी जल जमीन जंगल के लिए आदिवासी संघर्षरत है, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। भूमकाल दिवस 10 फरवरी को विशेष रूप से हमारे सर्व समाज बस्तर के जो मूल सर्व समाज है, जो हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी, जल जंगल जमीन की रक्षा, शोषण उत्पीड़न के खिलाफ जो आंदोलन उन्होंने अपने कंधे में उठाकर पूरे बस्तर में जो आंदोलित किए थे, उस दिवस को आज एक भूमकाल दिवस के रूप में सर्व समाज मिलकर मनाता है। ये हम जो पूर्वज थे उन्होंने जल जंगल जमीन के साथ उत्पीड़न, अत्याचार, अनाचार के लिए ही देश की आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ के सर्व समाज की इन उत्पीड़नों से मुक्ति के लिए ही आंदोलन चलाया था। आख रहे हैं कि मूल बस्तरिया 75 वर्ष के आज़ादी में भी इन शोषण से मुक्ति नहीं मिल पाया है। आज सभी सर्व समाज मिलके ये भूमकाल दिवस शहीदों के नाम से मनाया जा रहा है।